करीना कपूर वाले डिजाइनर लहंगे में ही, नहीं तो दूल्हे को टाटा बाय बाय कह देना। अब एक्ट्रेस आलिया भट्ट की तरह ही हर लड़की का ये सपना होता है कि वो अपनी शादी में अपना हर सपना पूरा कर सके, जिसे वो करती भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट चित्रा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। हम बात करेंगे एक्ट्रेस आलिया भट्ट के बारे में, जो आज बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस बन चुकी हैं। जैसा कि सब जानते हैं, आलिया ने काफ़ी कम उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि वो बाल कलाकार के रूप में फिल्म संघर्ष से अपने करियर की शुरुआत कर चुकी हैं, लेकिन लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से उन्होंने वास्तविक तौर से अपने करियर की शुरुआत की। जिस फिल्म इंडस्ट्री के आम लोग सपने देखते हैं, उस फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद आलिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आलिया भट्ट की इस खूबसूरत सी जिंदगी पर, जब एक फिल्मी परिवार से ताल्लुकात रखने के बाद आलिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी किया और आज वो एक जाना माना चेहरा बन चुकी हैं। 15 मार्च साल 1993 में भट्ट परिवार में जन्म लेने वाली आलिया भट्ट आज फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बन चुकी हैं। आलिया के पिता महेश भट्ट हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म मेकर हैं। उनकी माँ सोनी राजदान एक्ट्रेस रह चुकी हैं। आलिया की एक सगी बहन है शाहिन, तो सौतेली बहन है पूजा भट्ट, जो आलिया की तरह ही फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन चुकी हैं। और एक सौतेले भाई हैं राहुल भट्ट। अब यहाँ तक तो बात हुई उनके परिवार के बारे में, और अब इन बातों से आप ये भी जान गए होंगे कि आलिया भट्ट का सारा परिवार फिल्मी दुनिया से ताल्लुकात रखता है। बात की जाए अगर आलिया की पढ़ाई के बारे में, तो बता दें कि आलिया ने जमनाबाई नर्सरी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की, तो वहीं आलिया ने साल 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। करण जौहर के बैनर तले बनी यह फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल रही। इस फिल्म में आलिया भट्ट के ग्लैमर अवतार को खूब पसंद किया गया, और इसके बाद तो आलिया का फिल्मी सफ़र ऐसा शुरू हुआ है कि उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को काफ़ी कम उम्र में ही छू लिया है। तो वहीं आलिया की माँ ने तो फिल्मों में आने से पहले उनको एक्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हालाँकि वो एक फिल्मी परिवार से ताल्लुकात रखती थी, लेकिन आलिया ने एक बार खुद ही इस बारे में कहा था कि उनको फिल्मों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आलिया के अनुसार दिग्गज अभिनेता गोविंदा और लोलो यानी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का डांस कर उनके मन में ये शौक पैदा हुआ कि उनको भी डांस करना है। अगर देखा जाए तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। जब अपने इस शौक को उन्होंने अपना करियर बना लिया और फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने की ठान ली, और आखिरकार फिल्म मेकर करण जौहर के बैनर तले उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और ना सिर्फ डांस किया बल्कि बेहतरीन एक्टिंग कर लोगों का दिल जीता। अपनी पहली फिल्म से ही आलिया हर दर्शक के दिल पर राज करने लगी थी। मैं पैदा ही हॉट हुई थी, आलिया ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से इस बात को साबित कर दिया कि वाकई वो बेहद खूबसूरत, एक्टिव और एक काबिल एक्ट्रेस हैं। अपनी डेब्यू फिल्म से ही अपनी एक्टिंग का डंका बजाने वाली आलिया भट्ट को उनकी काबिलियत के लिए कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आलिया भट्ट एक मशहूर और काबिल एक्ट्रेस हैं। जिस भी किरदार में उनको चुना जाता है, उसी किरदार में वो अपनी शानदार एक्टिंग से जान डाल देती हैं, और शायद यही वजह है कि आज हर दर्शक की फेवरेट हैं आलिया। आलिया को उनकी फिल्म उड़ता पंजाब के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए उनको ये अवार्ड मिला, ना सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड बल्कि फिल्म उड़ता पंजाब के लिए उनको स्क्रीन अवार्ड, आईफा अवार्ड, जी सिने अवार्ड का ताज भी उनके सिर सज चुका है। दूसरी तरफ फिल्म टू स्टेट्स के लिए आलिया भट्ट को बिग स्टार मोस्ट एंटरटेनिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार भी मिल चुका है। साल 2017 में फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए जी सिने अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उनको स्टारडस्ट अवार्ड,
स्टार प्लस की नई सोच जैसे अवार्ड्स भी उनकी इस लिस्ट में शामिल होते हैं जो उनको उनकी काबिलियत के लिए उनकी शानदार अदाकारी के लिए दिए जा चुके हैं। खूबसूरत आलिया ने अपने करियर में बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। एक्टर ऋषि कपूर, रोनित रॉय, शाहरुख खान, शाहिद कपूर, अर्जुन कपूर, दिलजीत दोसांझ, रणबीर कपूर और वरुण धवन जैसे स्टार्स उनकी उस लिस्ट में शामिल हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया। इसी के साथ ही बता दें कि आलिया फिल्मों में आने से पहले काफ़ी फैटी हुआ करती थी, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए आलिया ने अपना कई किलो वजन कम किया। यानी फिल्मों में काम करना उनकी दिली ख्वाहिश रही है जिसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। दोस्तों, अब तो आप आलिया की जिंदगी से रूबरू हो ही चुके हैं। किस तरह से आलिया ने गोविंदा करिश्मा का डांस देखकर अपना सपना बनाया और उसे पूरा भी किया। अब अगर बात की जाए उनकी लव लाइफ के बारे में, तो जिस तरह से उनका फिल्मी सफर काफी मजेदार और रंगीन चल रहा है, वैसे ही उनकी जिंदगी भी काफी रंगीन चलती आई है और चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 6th क्लास में जहां आमतौर पर लड़की अपना करियर बनाने में लगी रहती हैं, वहीं हमारी आलिया भट्ट इस उम्र में बॉयफ्रेंड बना चुकी थी। तो चलिए जानते हैं उनके अफेयर्स के बारे में कि जब लड़कियां अपने करियर पर ध्यान दिया करती थी, वहां मैडम आलिया तो अपने अफेयर्स के चलते खबरों में रहती थी, वहां लड़कों को डेट किया करती थी आलिया भट्ट। चलिए दोस्तों, आपको कराते हैं उनकी लव लाइफ से रूबरू। अब जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि 6th क्लास में आलिया रमेश दुबे नामक के शख्स को डेट कर रही थी और इसके बाद 8th क्लास में वो अली दाराकर नाम के एक लड़के को डेट किया करती थी। इसके बाद आलिया ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की और इस रंगीन दुनिया में भी उनका नाम कई शख्स के साथ जुड़ा। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक्टर वरुण धवन के साथ काम करने के बाद दोनों का नाम एक दूसरे के साथ जोड़ा जाने लगा। कहा जाने लगा कि आलिया और वरुण एक दूसरे को इन दिनों डेट कर रही हैं। आलिया और वरुण के बाद आलिया का नाम उन्हीं के कोस्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी जुड़ा, जो उनके साथ फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। आलिया का नाम अक्सर ही किसी ना किसी बड़े स्टार के साथ जुड़ता रहा है, तो वहीं हाल ही में उनका नाम जुड़ रहा है एक्टर रणबीर कपूर के साथ। दोनों को साथ में देखा तो जाता है, लेकिन कभी भी रणबीर या आलिया ने अपने रिलेशनशिप को लेकर अपना मुंह नहीं खोला है। यानी अभी भी दोनों के इस रिश्ते पर क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं लगा है, क्योंकि ना कभी रणबीर आलिया के बारे में कुछ ऐसी बातें करती हैं और ना ही आलिया कभी रणबीर के बारे में कुछ ऐसी बातें करती हैं जिससे कि ये साफ हो चुके कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि किसी ना किसी पार्टी इवेंट में इन दोनों को साथ में देखा जाता है। अब भाई, इससे तो ये बात साफ है कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। अब भले ही रणबीर और आलिया इन बातों को छुपाएं, भले ही वो अपने रिश्ते के बारे में कुछ ना कहें, लेकिन जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते हैं उससे तो हर किसी का शक गहराता जा रहा है। वेल, हर किसी की तरह ही हमारी भी दुआएं आलिया के साथ है कि वो जहां भी जाए, वो जो भी करे, हमेशा ही उन्हें सफलता हासिल हो। अगर बात की जाए हाल ही की, तो बता दे कि रणबीर कपूर के साथ ही फिल्म ब्रह्मास्त्र में इन दिनों वो काम कर रही हैं। दोनों की ये पहली फिल्म है जो साथ में होने वाली है, तो वही इन दोनों के साथ साथ उनके फैंस को भी इनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से रियल लाइफ में रणबीर कपूर और आलिया एक दूसरे के साथ काफ़ी क्यूट नज़र आते हैं, तो वहीं रियल लाइफ में ये दोनों कैसे लगती हैं, ये देखना वाकई मज़ेदार होगा। जिस तरह से आलिया ने अपने करियर की शुरुआत की और बन चुकी हैं टॉप की एक्ट्रेस, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। आलिया भट्ट जो अपने क्यूटनेस के लिए भी जानी जाती हैं, आलिया भट्ट जो फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, वही आलिया भट्ट फिल्मी परिवार से बचपन से ही ताल्लुकात रखती हैं। बावजूद इसके वो कहीं ना कहीं संघर्ष कर चुकी हैं अपने पैर जमाने के लिए। हालांकि उनकी पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो फिल्म मेकर करण जौहर के बैनर तले बन चुकी है, अपनी इसी फिल्म से वो अपनी एक ऐसी पहचान बना चुकी है जो शायद
कम ही लोग अपनी पहली फिल्म से बना पाते हैं, और आज भी आलिया भट्ट एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करती नजर आती है, और उनकी एक्टिंग की तो जितनी तारीफें की जाए उतना कम है। हालांकि जिस तरह से अपने फिल्मी सफर को लेकर, अपनी फिल्मी दुनिया को लेकर वो रहती हैं खबरों में, उसी तरह से वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपने अफेयर्स, अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती है, जिसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं इस खास प्रोग्राम में। वेल दोस्तों, अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।